साल के आये ब्रह्माचार्य वर्ग नमक हत्या कर दिया सन 1961 में मेरठ में आचार्य विमलाचार्य महाराज ने दीक्षा शुक्ल लेते दही तेल की हत्या कर दिया सन 1962 में उन्हें दीक्षा लेते हैं उन्होंने शक्कर का त्याग कर दिया सन 1963 में उन्होंने चटाई का भी त्याग कर दिया और 1975 में उन्होंने शक्कर चटाई अन्न का भी त्याग कर दिया उन्होंने 1975 में उन्होंने दूध का भी त्याग कर दिया सन 1998 में 2003 में सलीमपुर में मठार पानी के अलावा सबका त्याग किया उन्होंने नाची में 6 माता को हिला एवं 2 माता पानी का भी त्याग किया उन्होंने 1 चतुर्मास में 120 दिनों के और 17 दिन आये दो चतुर्मास में उन्होंने 1 उपवास एक आया 3 तो उपवास एक आया 3 उपवास एक आया करते करते 15 उपवास एक आया 14 उपवास एक आया 13 उपवास एक आया करते करते 1 आहार 1 उपवास तक पहुँच कर सीएम डिस्ट्रिक्ट माँ कठिन व्रत किया उन्होंने अपने 49 साल के तपस्वी जीवन में लगभग 9986 उपवास किए उन्होंने 27.5 सालों में अधिक उपवास किए इनके बारे में आचार्य 108 पुष्प सागर जी महाराज ने यहाँ तक कहा है कि भगवान महावीर के बाद इन्होंने इतनी तपस्या की है कि 1972 में उन्होंने शिखर जी की 108 वंदना की थी निरंतर 108 वंदना की थी वे बड़ी सत्यमूर्ति चटाई लेनी थी तो गुरुदेव 24 घंटों में 2 घंटे ही विश्राम लगे विश्राम करते थे वे पूरी रात तपस्या में लगे रहते उन्होंने अपने समाधि से 3 दिन के उपवास आते हुए लोगों के कहने के बावजूद भी आहार नहीं लिया उन्होंने अपनी समाधि से 1 दिन पहले 23 यानी 23/10 को अपने शिष्यों को पढ़ाया और गंगा तक उन्होंने शुभमती और सुभमती सुभमती शिष्य की प्रवचन कराया और सुबह 5:30 बजे अपने आप पद्मासन लगाया भजन के मुख्य प्रसाद करवाया और 5:30 बजे उन्होंने उन्होंने संहिता रच की आयु में आँखों से प्राण आँखों से चढ़ते हुए हृदय आता है।